हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 23 तक कवर किया। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 24 को देखेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्णा बेसिन। दोस्तों, अगर आपसे पूछे प्रायद्वीपीय भारत की प्रथम बृहत्तम श्रेणी कौन सी है, तो वो गोदावरी बेसिन हो जाएगी। और अगर सिर्फ भारत पूछे, प्रायद्वीपीय नहीं रहे, तो भारत की सबसे बृहत्तम बेसिन गंगा बेसिन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिकल मैप ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है? दोस्तों, नेशनल एटलस एंड थीमेटिकल मैप ऑर्गेनाइजेशन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, सूची वन को सूची टू से सम्मिलित करना है। एक तरफ बीमारी दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित फसल दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। पहला है ब्लैक रॉस्ट। ब्लैक रॉस्ट नामक बीमारी गेहूँ में होता है। कौन से फसल में होता है? गेहूँ में होता है। स्टेम रॉट, दोस्तों स्टेम रॉट चावल में होने वाली बीमारी है, या तना में हो जाता है और तना को ही सरा देता है। वाइट रस्ट, और ये वाइट रस्ट होता है सरसों में। आप देखे होंगे सरसों में, बहुत सारे सरसों में वाइट वाइट जैसा कलर का हो जाता है, तो वो वाइट रस्ट होता है। चौथा है अर्ली ब्लाइट, यह होता है आलू में। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 1, 2 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है? इसमें से कौन कौन सा खगोलीय पिंड है? सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो जो भी ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीज़ पाई जाती हैं, वो सारे चीज़ खगोलीय पिंड है। इसमें से सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और उल्का पिंड, ये सभी के सभी खगोलीय पिंड है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। अगला प्रश्न है, कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? दोस्तों, कोडाइकनाल या पालनी, जो कि पश्चिमी घाट का हिस्सा, पश्चिमी घाट जो पर्वत है, उस पर्वत का हिस्सा है पालनी, उसी का एक श्रृंखला है कोडाइकनाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में 7वां स्थान है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि वो जो 6 देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं, वो कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, जहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है किसी मरुस्थल में, तो वो मरुस्थल थार मरुस्थल है, जो कि भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय आय है, उसमें सबसे ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, उसका सबसे ज़्यादा योगदान है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो कि किसी भी राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? तो वो हो जाएगा टॉमस पेन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है, कहलाती है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि बैंक जब ग्राहकों को ऋण देती है, तो वह रेपो रेट पर देती है। किस पर देती है? रेपो रेट पर, रेपो दर पर देती है। और लेकिन जब वह पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देती है, तो वह मुख्य ऋण दर कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुख्य ऋण दर। अब हमें ये बताइए कि आरबीआई जब बैंकों को ऋण देती है, तो वह किस पर ऋण देती है? तो आपको यह ध्यान रखना है, जब आरबीआई बैंक को ऋण देगा, तो वह रिवर्स रेपो रेट पर देता है, और बैंक जब ग्राहकों को ऋण देता है, तो वह रेपो रेट दर पर देता है। अगला प्रश्न है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, रेणुका झील या हिमाचल प्रदेश के सिरमौर नामक स्थान पर स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है,
संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा का जो प्रारूप समिति था, जिसे हम लोग मसौदा समिति के भी नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुई थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा विवाह एवं तलाक, जो कि राज्य और केंद्र दोनों ही देखती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? दोस्तों, संसद के सचिवालय से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 98 है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पहला है, 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु उसकी पदावधि के दौरान हुई थी। तो बिल्कुल सही कथन है ये, 3 प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के अंतर्गत ही हो गई थी। दूसरा है, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बिल्कुल सही है ये कथन भी। तीसरा है, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने। ये गलत है दोस्तों, सबसे अधिक उम्र के जो प्रधानमंत्री बने थे वो मोरारजी देसाई बने थे, ना कि लाल बहादुर शास्त्री। और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1969 ईस्वी में आई थी, उसके तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 89। यह राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 79 के में सांसद की चर्चा की गई है, और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा की चर्चा की गई है। आपको ये सारे अनुच्छेद याद रखने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों, सबसे पहले केरल में 1982 ईस्वी में ईवीएम का प्रयोग किया गया था, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार किया गया था। आपसे पूछेगा कब, तो आपको डेट भी याद रखना है 1982 ईस्वी, और राज्य पूछे तो केरल। अगला प्रश्न है, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? तो दोस्तों, विधान परिषद पूछा है जिसमें सदस्यों की संख्या 40, कम से कम 40 होनी चाहिए। जितना भी सदस्य है उसका एक तिहाई या फिर 40 सदस्य होने चाहिए विधान परिषद में। और अगर विधानसभा पूछे तो आपको याद रखना है विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए। ये दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ था? दोस्तों, औरंगजेब इन्होंने अपना राज्य अभिषेक 2 बार करवाया था। पहली बार जब इन्होंने आगरा को जीता था, आगरा को अपने कब्जे में लिया था, उस समय इन्होंने अपना राज्य अभिषेक जल्दबाजी में कर ली। और दूसरी बार जब इसने देवराय का युद्ध जीता, देवराय का युद्ध कब हुआ था तो याद रखिएगा 5 जून 1659 ईस्वी को हुआ था। आपसे ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, एग्जाम में देखने को मिला है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देवराय का युद्ध कब हुआ था। तो 5 जून 1659 ईस्वी में हुआ था, जिसको औरंगजेब ने जीता और अपना वास्तविक राज्य अभिषेक देवराय के युद्ध के बाद ही किया था। तो औरंगजेब ने 2 बार अपना राज्य अभिषेक करवाया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अकबर इसने आईने दहसाल की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक इसने प्रतीक मुद्रा चलाया था। इल्तुतमिश ने चहलगामी अमीर नामक एक संगठन को बनाया था। और शेरशाह सरक आजम, जिसे कि ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 2 और 1, जो कि ऑप्शन नंबर
सी में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्व प्राप्ति की जप्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी? तो दोस्तों जप्ती प्रणाली या अकबर के टाइम में प्रचलित थी। जप्ती प्रणाली की स्थापना टोडरमल के द्वारा की गई थी, और जब दोस्तों जप्ती प्रणाली को दहसाल प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है ये सारे फैक्ट्स। अगला प्रश्न है, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में से निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली नहीं था? तो विजयनगर में निकोलो कांटी है, इटली से आया था, जो कि पुर्तगाली नहीं था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जबकि डोमिंग पायस नूनीज और बारबोसा ये सभी पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, बिल्कुल है। दूसरा है महावीर की पत्नी का नाम यशोदा है, ये भी सही है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये भी सही है, ईश्वर को नहीं मानते लेकिन आत्मा को मानते हैं। चौथा है जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो कि गलत हो जाएगा। दोस्तों पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, न कि 22वें। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों मगध महाजनपद की राजधानी राजगीर थी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजगीर या गिरिब्रज करके याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रमुख सैंधव स्थल चनहुद्रो किस नदी के किनारे स्थित है? तो चनहुद्रो दोस्तों यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंधु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? दोस्तों अधन्य गौ के लिए, गाय के लिए प्रयोग किया गया शब्द है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम बंगाल समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा वो कौन सा था? तो सोम प्रकाश समाचार पत्र था, जो कि राजनीति से जुड़ने वाला प्रथम बंगाल समाचार पत्र बना था। सोम प्रकाश की स्थापना की बात करें तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने सोम प्रकाश की स्थापना की थी, लेकिन संपादक किसने, कौन थे संपादन जो किए थे, वो थे द्वारकानाथ विद्याभूषण जी, आपको दोनों याद रखना है, संस्थापक ईश्वरचंद्र विद्यासागर और संपादक द्वारकानाथ विद्याभूषण, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई थी? दोस्तों स्वाधीनता दिवस की घोषणा ये 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हुई थी। नमक सत्याग्रह 12 मार्च से स्टार्ट होकर 6 अप्रैल तक चला था, 6 अप्रैल 1930 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये नमक सत्याग्रह दांडी मार्च के साथ ही शुरू होने वाला आंदोलन है, तो इसका और इस नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन का डेट सेम हो जाएगा। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन यह नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। तो सबसे पहले कौन हुआ था? स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुई थी 26 जनवरी 1930 को, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटिंगल ने निम्नलिखित में से किसे भारत उद्धारक की संज्ञा दी थी? तो भारत उद्धारक के रूप में लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन बदलता है, यानी हेडफोन जिसको आप बोलते हैं या फिर ईयरफोन, तो वही हो गया माइक्रोफोन, जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा रहता है? तो घरेलू विद्युत तार या समानांतर श्रेणी में जुड़ा रहता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो दोस्तों निम्न तापी इंजन का प्रयोग रॉकेट में किया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रॉकेट के ईंधन के रूप में
द्रव्य हाइड्रोजन और द्रव्य ऑक्सीजन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों एक्सरे के द्वारा क्रिस्टल की संरचना को देखा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किससे होती है? तो जैव विविधता में सबसे ज़्यादा जो संकट होती है वह प्राकृतिक निवास और वनस्पति के विनाश से होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत घंटी में लेक्लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है? तो सामांग मिश्रण का उदाहरण कुहासा नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सामांग मिश्रण क्या होता है? तो जिसका संगठन सभी जगह समान होता है उसे सामांगी मिश्रण कहते हैं। कुहासा कहीं बहुत ज़्यादा होता है और कहीं बहुत कम होता है, तो ये सामांगी मिश्रण नहीं हुआ। कहीं पे कुहासा के साथ धुआं भी रहता है, धुंध भी रहता है, तो जहाँ पे सभी संगठन एक जैसा समान हो उसे सामांगी मिश्रण कहते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? तो किसी भी परमाणु की त्रिज्या लगभग 10^-15 मीटर होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों शरीर में रक्त का थक्का पता लगाने के लिए सोडियम-24 का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Na-24। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में से किसका मान बढ़ता है? दोस्तों जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयनन ऊर्जा, और परमाणु त्रिज्या घटते जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा होगा? खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NaHCO3। अगला प्रश्न है, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है? तो दोस्तों एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक गोल्जीकाय को कहा जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गोल्जीकाय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन RNA के संबंध में सही है? पहला है, इसमें राइबोसोम नामक सरकरा होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसमें बेस थायमिन की जगह यूरासिल आता है, ये भी सही है। तीसरा है, यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, ये भी सही है। इसके सभी के सभी कथन सही है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुकंदर में कौन सा वर्णिक लवण पाया जाता है? दोस्तों चुकंदर में बीटानिन पाया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन इनमें से सभी में होता है, जीवाणु, अमीबा, नील हरित शैवाल, इस तीनों में असूत्री विभाजन होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्नलिखित में से किससे होता है? तो फ्लाई ऐश प्रदूषण ताप विद्युत संयंत्र से होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, चेर्नोबिल दुर्घटना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चेर्नोबिल नामक दुर्घटना जो है दोस्तों यह नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक था, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जय हिंद।